ज्ञानतिमिरांधस्यज्ञानाञ्जनशलाक्रिया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। शिवानंद कल तुम अधा थी अधा कह ठीक पर कह रेडियो ठीक है मुठी कर दे हरे बोल हरे कृष्ण की बोलो लाइट बली गल हरे बोल हरे कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल्याण हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत ग्रंथ में राधा रानी का नाम क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, हम इसको श्रवण कर रहे थे। इसलिए क्यों नहीं है एक एक पॉइंट बोलेंगे, बोल सकते तो बट पॉइंट को भागवत राधा रानी का नाम कहें कि नहीं समझ बट बट करे बोल कर गुरुजी बोलते हैं जो सबसे बड़ा चीज क्या है जिसे जैसे उदाहरण देते हैं राधा रानी का जो प्रेम है कितना ऊंचा प्रेम है। जैसे राय रमानंद तो संवाद में राय रमानंद चैतन्य महाप्रभु आए राय रमानंद को पूछा भक्ति मध्य श्रेष्ठ क्या है। उनको पहले राय रमानंद ने बताया ये भक्ति अपना जो स्वधर्म आचरण है कृष्ण भक्ति है, अपना अपना धर्म को आचरण कर भक्ति होगा। किंतु इसी को बाह्य बाह्य बोलते बोलते अंतिम में बताया राधा जो राधा भाव किसी प्रकार भाव था वही भाव है सर्वश्रेष्ठ। उसी को डायरेक्ट बताया नहीं कि चैतन्य महाप्रभु जो पूछा राय रमानंद ने बताया नहीं। उसी प्रकार राधा रानी को छुपाने का नाम ये है, राधा रानी का जो नाम को छुपाने का सुखदेव गोस्वामी जब वो
बोलते थे एक बार नाम लेने से ही, राधारानी का नाम लेने से वो 6 महीना तक मूर्छित हो जाते थे, इसीलिए वो राधारानी का नाम ले लिया। दूसरा बताया जैसे 6 महीना तक बेहोश हो जाते, पर तू नहीं बताए जो उनको 7 दिन में पूरी करना था। 7 दिन में उनका भागवत परीक्षित महाराज को सुनाना था। वो भगवान का राधारानी का जब नाम लेके एक बार 6 महीना तक बेहोश हो जाएंगे, भागवत कथा करेंगे कैसे? इसीलिए 6 महीना तक बेहोश हो जाने का कारण भगवान का नाम, राधारानी का नाम ले ही लिया था। बताया जो जैसे उदाहरण दिया पिपरमेंट है, पिपरमेंट जैसे खोला रखोगे किसी बोतल में रखी दो, पिपरमेंट खोला रखी दो ढक्कन, 2 महीना भी नहीं जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसको जितना ढक्कन बंद कर रखोगे उसी को ही अपना वो खुशबू रहेगा, ठंडाई भी रहेगा। ऐसे भगवान का नाम जो राधारानी का नाम जितना छुपा कर रखेंगे उसी का इतना ही माधुर्य बढ़ेगा। तो खोला तो करने से वो तो 6 महीना बेहोश हो जाएंगे कैसे? वो भगवान का कथा, राधारानी का कथा, कृष्ण का कथा 7 दिन तो कैसे सुना सकते? नहीं सुना सकते, इसीलिए छुपाया था। अन्य भक्तों लोग अन्य प्रभु जी आगे को बोला, क्योंकि जो गुण विचार होते हैं जो उसको हमेशा ढक कर रखना चाहिए। और क्योंकि किसी बात, इसीलिए क्योंकि जो ऋषियां होते हैं किसी बात को सीधा ना बोल के घुमा के बोलते हैं, तो सीधे राधा जी का नाम ना लेके गोपी और उनके परिकर के नाम यहाँ पे लिया गया है। जैसे किसी स्त्री अगर घूंघट लगा करके जाती है सब उसको देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन अगर कोई घूंघट खोल करके जाती है जितने सुंदर से सुंदर क्यों नहीं हो, अब देखना उसको तरफ में कोई देखते नहीं, लेकिन जब घूंघट उघार करके जाते हैं सबके सब देखने के लिए चाहते। इसलिए किसी चीज को अगर गोपनीय रूप में रखो है, और ऋषियों का जो प्रिय है कहते डायरेक्ट बोल करके वो खुश नहीं होते, वो परोक्ष बात उनको प्रिय, मतलब घुमा करके कोई चीज को छुपा करके बोलने पर ही उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है। इसलिए ये राधारानी का नाम, इसलिए सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट रूप में राधा जी का नाम को ग्रहण नहीं किया। और किसको और कुछ याद है? और एक कारण तमोट कारण थे वो वृंदावन, जब सुखदेव गोस्वामी राधा रानी को ने प्रार्थना की कि मैं भागवत में कैसे रूप में आपका नाम लूंगा, वो बताया कि संकेत रूप में लेना है वो, इसलिए डायरेक्ट रूप में नहीं लेकर के मेरे नाम को छुपा करके लेना। और किसको याद है राधा जी का नाम भागवत में क्यों डायरेक्ट नहीं लिया? और किसको याद है? तुम किस मुखस्त मनोर से किसी को ना तुम किस कह रहे हो? तुम बेटे को श्यामानंद वो राधा रानी का नाम है, तो इसको क्या करते हैं ना, बाहर को अगर प्रकाशित नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे जो पद्मी है ज्ञानी है इसको गलत से आश्रय लेंगे, तो इसमें बोल रहे हैं कि ये संपत्ति उन्हीं लोगों के लिए है जो रसिक है, भावुक है, और पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम में श्री राधा रानी का नाम है। जैसे बोलेंगे परोक्ष वाद ऋषय पर संपच और प्रिय, बोलें कि रामायण में अगर रमा और का नाम आता है तो ये सीता, सीता माता को बोलते हैं, लेकिन भागवत में अगर कोई गोपी और गोपी का नाम लिए हैं और बोल रहे हैं कि कोई रमा का नाम लिए हैं तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट राधा रानी को ही समझना पड़ेगा। गोपियों में भी इंगित करके बोलते हैं कि गोपियों में जो श्रेष्ठ है अर्थात सर्व गोपेश सेविका राधा वल्लभ, कि गोपियों में भी जो श्रेष्ठ है वो इनडायरेक्ट बोल रहे हैं कि राधा ही रानी श्रेष्ठ है। तो ये भागवत जी का मूल संपत्ति है कि राधा रानी का छुपा के रखती है। हाँ ठीक है। और ब्रज ब्रज किशोर कुछ मना चिकित्सित लिखीवानी का पंडित बसी ग्रह। हाँ बोला बेटा। हरे कृष्ण।
और जुगल किशोर ऊपर देखो, ऊपर देखने से याद रहेगा, सबको नोट कर दो पंडित भाई सब। हरे कृष्ण। हाँ, आज हम लोग सुनेंगे कथकला। हम लोग श्रवण कर रहे थे भागवत में, भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसमें बताया अर्थयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप सौ वेदार्थ परिवर्णित। भागवत जितने वेद पुराण उपनिषद का ही निचोड़ है, इसलिए कहता रता रसामृत तृप्त नान्यत्र स्यात् रचि क्वचित्। उसको भागवत का रस अगर कोई आस्वादन करे, उनको और किसी चीज की है, किसी चीज की आस्वादन करने के लिए उनका रुचि रह नहीं जाती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भागवत है। लेकिन जो लोग डायरेक्ट भागवत ग्रंथ पढ़ते हैं, उनको पूछो, बोलेगा आप इतना तो राधे 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 बोलते रहते हो, तो भागवत में राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं, क्यों नहीं भागवत में राधा जी का नाम है? इसलिए हमारे गोस्वामी लोगों ने है? गोस्वामी लोगों ने उन्हें दिखाया कैसे भागवत में सर्वत्र श्री राधा जी का नाम कैसे सर्वत्र है, क्यों नहीं, उसका कारण कल सुने थे। आज हम सुनेंगे भागवत में कहां कहां पर भागवत में राधा जी का नाम बताए। इसको याद कर लेना और लिख लेना एक दिन पैट करके। कहते भागवत ग्रंथ का नाम ही क्या है, कहते भागवत ग्रंथ का इसका नाम ही श्रीमद् भागवतम है। कहते जो श्री है, श्रीया सहितम, श्रीया मतलब श्रीमती राधा रानी, कहते लक्ष्मी चारी लक्ष्मी, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, कहते चारी लक्ष्मी, लक्ष्मी तो अनंत है, एक लक्ष्मी कहाँ पर, बोले स्वर्ग में एक लक्ष्मी श्री वामन देव का जो है अंकल सायनी लक्ष्मी है, और एक कहाँ पर लक्ष्मी, कहते वैकुंठ में एक लक्ष्मी है, है? लेकिन और एक कहाँ पर लक्ष्मी, कहते द्वारका में भी एक लक्ष्मी है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी कहते ये श्रीमती राधा रानी कहाँ पर, श्री वृंदावन में। इसलिए यहाँ पर जो ग्रंथ का नाम है श्री मद, मद मतलब प्रेम, हम कहते ना अरे मद खा करके मत वाला हो गया, उड़िया में तो मद घोषणते, उड़िया में मद बोलते ना मद है, इसलिए श्री मद मतलब ये जो प्रेम है, मद मतलब होता है प्रेम है, इसलिए भागवत क्या है, बोले श्री मद बोले राधा रानी का ही ये प्रेम, ये श्रीमद भागवत ग्रंथ है, है? इसलिए ये भागवत कथा नहीं सुन रहे, क्या सुन रहे, एक उदाहरण देकर समझाया, बोले कोई एक सेठ था, वो सेठ खूब पैसा कमाता है, खूब पैसा कमाता है, लेकिन ये पैसा कहाँ पर डिपॉजिट करता है, सेठानी को पास में, किसको पास में, सेठानी है। एक दिन सेठानी क्या की, वो पैसा को हीरे जवाहरात को, रुपया पैसा को अलमीरा में एकदम सजा सजा करके, हीरे जवाहरात को हजार लाख लाख रुपया गड्डी के गड्डी सजा सजा कर रखी। एक दिन क्या हुआ, वो सेठानी पागलिन हो गई, पागलिन हो गए तो वो जो गड्डी के गड्डी लाख लाख रुपया हीरे जवाहरात उसको लेकर गई छत गोबर में, और उसने उसने लुटाना शुरू की, उसने लुटाना शुरू की, और जितने दुखी दरिद्र गरीब थे ना, उठा उठा करके सब माल को भर भर कर ले गए, सब के सब धनी हो गए। इसलिए यहाँ पर कहते वो सेठ कौन है, जो खूब पैसा कमा करके है उसको जमा करके सेठानी को देता है। कहते यहाँ पर जो सेठ है जगन्नाथ जी, ये सावरिया सेठ है, है? कहते ये कृष्ण ही ये मूल सेठ है, लेकिन ये तो खूब प्रेम को कमाता है, लेकिन कमा करके प्रेम को कहाँ डिपॉजिट करता, कहाँ रखता है, बोले सेठानी को पास में। वो सेठानी कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी, इनको पास में खूब जमा जमा कर रखते हैं। एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी, कई छत के ऊपर में उसने लुटाया प्रेम को, है? जब प्रेम को उसने लुटाया, और आप और हम जैसे व्यक्ति प्रेम को लुटे और बड़े बड़े हमने धनी हो गए। इसलिए कदी जो श्रीमद है, ये श्रीमद, श्री मतलब राधा रानी है, मद मतलब प्रेम, इसलिए कदी जो भागवत है, भागवत नहीं ये राधा रानी, जब कृष्ण प्रेम में दीवानी बनती है, दीवानी बन करके जब ये धन को लुटाती है, कहते ये श्रीमद् भागवत है, और आप और हम जैसे कृष्ण प्रेम के जो कंगाल है, वो धन को लूट लूट करके हम क्या हुए, बस कृष्ण प्रेम में धनी बने। इसलिए ग्रंथ का नाम ही क्या रखा, श्रीमद् भागवतम है,
कि भागवत ही राधा जी की प्रेम है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, कोई कोई साधारण लोग जो कहते हैं कि भागवत क्या ग्रंथ है, बोले भागवत कृष्ण पर ग्रंथ है, कृष्ण पर ग्रंथ। लेकिन हमारी गोस्वामी कहते, गुरु जी कहते थे, नहीं ये भागवत कृष्ण पर ग्रंथ नहीं, ये भागवत राधा पर ग्रंथ है, जिसमें राधा रानी की महिमा की गई। बोले कैसे आप बता रहे हो, कैसे? तो उदाहरण दिया, भागवत में 12 खंड है, पादौ जदियौ प्रथम द्वितीयौ तुर्ज्यौ कथितौ तदुरु। इसलिए कि उसमें जो द्वादश स्कंद भागवत है, तो प्रथम द्वितीय स्कंद भगवान की दो चरण, तृतीय चतुर्थ स्कंद जो जंघा, पंचम स्कंद नाभि, षष्ठ सप्तम स्कंद दो हाथ, अष्टम स्कंद पक्ष स्तर, नवम स्कंद कंठ, दशम प्रफुल्ल मुखारविंद, एकादश जस्य ललाट पटम, द्वादश तो शिरस्वभिभाति है। इसलिए लेकिन जो द्वादश स्कंद विशिष्ट भागवत, इसका मेन खंड कौन सा है? उदाहरण दिया, जैसे एक व्यक्ति को अगर हम पहचानना चाहते हैं, कैसे पहचानेंगे? जैसे तमाल कृष्ण प्रभु जी, अगर उनको सर को ढक दो, छुपा दो, पूरा अंग को दिखाओ, बता सकते हो? कोई नहीं बता सकता। लेकिन कुछ चीज ढकने का जरूरत नहीं, केवल मुंह खोल कर दिखा दो, बोले कौन है, समझ जाएंगे तमाल कृष्ण प्रभु जी है। उसी तरह भागवत का जो सार क्या है, दशम स्कंद, ये सार दशम स्कंद, क्योंकि उसमें कृष्ण कथा, उसमें कृष्ण कथा। लेकिन दशम स्कंद में सार क्या है, बोले ये तो हो गया भगवान की, दशम स्कंद हो गया मुखारविंद। लेकिन एक व्यक्ति सुखी ना दुखी हम कैसे पहचानेंगे? एक व्यक्ति सुखी ना दुखी हम पहचानेंगे कैसे? अगर देखते होंगे, अगर खिलता हुआ हो, हंसता हुआ हो, समझ जाएंगे ये आदमी सुखी है। अगर मुंह लटका हुआ हो तो क्या सोचेंगे, ये दुखी। उसी तरह दशम स्कंद में कभी हंसी किया है, बोले हंसी रासलीला, रासलीला ही हंसी है। इसलिए लेकिन रासलीला में पंच अध्याय, रास पंच अध्याय, पर रास पंच अध्याय को क्या बताए, बोले ये प्राण, जैसे एक व्यक्ति है, लेकिन अगर उसको प्राण नहीं तो शरीर का कोई महत्व क्या है, कोई महत्व नहीं, कि तो प्राण ही नहीं है। इसलिए कहते भागवत का जो सार, ये रासलीला दशम स्कंद का सार है, दशम स्कंद का सार रासलीला। लेकिन रासलीला में उसमें जो सर्वश्रेष्ठ नायिका कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी, रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी। क्योंकि रास जब हो रही थी उस समय कृष्ण भी थे, चंद्रावली भी थी, ललिता विशाखा सखी सब थी, लेकिन जब राधा रानी रास छोड़कर चली जाती ना, रास अपने आप टूट गया, रास टूट गया रासलीला। क्यों? रासेश्वरी कौन है, श्रीमती राधा रानी है। इसलिए गुरु जी कहते थे ये भागवत कृष्ण पर ग्रंथ नहीं, ये भागवत राधा पर ग्रंथ, भागवत जिसमें सर्वश्रेष्ठ रूप में राधा रानी को ही प्रतिपादन की गई है, हैं? अभी भागवत में फिर कहां कहां पर श्री राधा जी का नाम है? कहते भागवत में जब भागवत का जो महिमा, कहते पद्म पुराण में भागवत की महिमा है, उसका प्रथम श्लोक क्या है, पद्म पुराण का जो महिमा का प्रथम श्लोक कौन सा श्लोक है, बोले सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उसमें जब प्रणाम करते हैं, कहते श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सबके सब श्री कृष्ण को प्रणाम करते, बोले कृष्ण को प्रणाम नहीं करते, ये नहीं बताया, श्री कृष्ण, श्री मतलब यहाँ पर श्रीमती राधा रानी, हम श्री राधा रानी को साथ में कृष्ण को प्रणाम करते। इसलिए वो सच्चिदानंद रूपाया है, सत शक्ति की संदिनी शक्ति का अधिष्ठात्री देवता कौन है, बलदेव ब्रह्म, चित शक्ति का अधिष्ठात्री देवता कौन है, कृष्ण स्वयं, और आनंद शक्ति की लादिनी शक्ति की है अधिष्ठात्री देवता कौन है, राधा रानी। अगर इससे सात और चित ये दोनों को निकला दिया जाए, केवल बीच में चित स्वरूप रूप में जब रह जाएंगे, ज्ञान स्वरूप में, वो मायावादियों का आराध्य रह जाएंगे और रसिकों का आराध्य नहीं रहेंगे, वो मायावादियों का आराध्य रह जाएंगे हैं। इसलिए कृष्ण पूर्ण कब है, जब उनको साथ में श्री राधा रानी हो, हैं, बलदेव प्रभु हो, तभी तभी वो पूर्ण, नहीं तो कृष्ण पूर्ण नहीं। इसलिए जो सुख सारी जो संवाद है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते जब बहुला वन में पहुंचे,
देखा कैसे एक वृक्ष में एक अनार की दाना, अनार की वृक्ष और एक है कहते एक अंगूर का वृक्ष, टहनिया में एक में तोता बैठा हुआ और एक मैना बैठा हुआ। तोता मैना समझ रहे, सुख सारी दोनों बैठे, तोता और मैना बैठे करके आपस में वार्तालाप हो रहा है, झगड़ा कर रहे हैं। सुख ने ले लिया श्री कृष्ण का पक्ष और मैना ने ले लिया राधा जी की पक्ष, इसलिए सुख कहता है मेरे कृष्ण मदन मोहन। लेकिन तोता क्या कहते मैना, मैना क्या कहती है, बोले अपना बात रखो, बोले तुम्हारे कृष्ण मदन मोहन। इसलिए तभी वो मदन मोहन है जब तक राधा रानी खड़ी हो, नहीं तो केवल ही कृष्ण मदन है, वो मदन मोहन नहीं, वो स्वयं मोहित हो जाएंगे। चूंकि उनको वाम पार्श्व में राधा रानी खड़ी है तभी वो मदन मोहन। इतने में तोता कहता है मेरे श्याम सुंदर ने गिरिराज धारण किया था, मैना कहते गिरिराज कृष्ण धारण किया, मेरे कृष्ण कब धारण किया, बोले किसने धारण किया था, बोले बताओ कृष्ण कौन सा हाथ में धारण किया, बोले बाम हाथ में, बोले कौन सा अंगुली, बोले बाम अंगुली, बोले बताओ कैसे उन्होंने धारण किया, बोले शक्ति से, बोले कृष्ण का शक्ति कौन है, राधा रानी। इसलिए फिर गिरिराज किसने धारण किया था, किसने धारण किया था, अरे बोल जोर से बोलो, राधा रानी ने धारण किया था। इसलिए ब्रज में एक कहावत है, कहते कृष्ण थोड़ी गिरिराज उठाया, बोले कैसे उठाया, बोले कछु माखन का बल बढ़ो, कछु गोपर ने करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिवर लिए उठाए। किसकी कृपा से, इसलिए राधा रानी ऐसे नजर में गिरिराज है, गिरिराज वहीं पर टिके रहो, अगर नीचे गिरोगे ना तेरे को हम जला दूंगी, राधा रानी पूरा टेढ़ी नजर से देख रही थी। इसलिए गिरिराज डर के मारे वहीं का वहीं गिरिराज वहीं रुक गए गिरिराज। हाँ बोले श्रीमती राधा रानी की जय। हाँ इसलिए इसलिए इतने में सु कहता है मेरे श्याम सुंदर सर पर मयूर पंख धारण करते हैं। मैना कहते पता है तुम्हें क्यों मयूर पंख धारण करते, बोले क्यों, बोले उसमें हमारे राधा रानी का नाम उसमें लिखा हुआ है। इसलिए इतने में तोता कहता है हमारे श्याम सुंदर तमाल वृक्षों के नीचे खड़े होकर बंसुरी बजाती है। मैना कहती है पता है क्यों तमाल वृक्षों के नीचे खड़े होते हैं, बोले क्यों, बोले चूंकि उसमें उधर वो तमाल ये नहीं कदम वृक्षों के नीचे, बोले कदम जो स्वरूप है वो राधा जी की स्वरूप है, राधा रानी जैसे गौरी रंग उसका रंग भी गोरा रंग है, और वहां पर चूंकि राधा रानी आती है वहां पर इसलिए कृष्ण वहीं पर खड़े होकर बंसुरी बजाते हैं। और तो बहुत पेड़ वहां क्यों नहीं बजाते हैं कृष्ण है वहां पर, कहते हमारे श्याम सुंदर चांद है, बोले उसको पकड़ने का फांद कौन है, बोले राधा रानी है उसका फांद राधा रानी। इसलिए कहते राधा के बगैर कृष्ण आधा, इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्री कृष्णाय भयम नुम, हम सब के सब श्री कृष्ण के चरण में हम प्रणाम करते हैं है? इसलिए वहां पर भी पहला श्लोक में श्री किशोर जी की वंदना करते हैं। कहते भागवत का जो प्रथम श्लोक है, प्रथम श्लोक कौन सा श्लोक है बोलो सबके सब, जन्मादस्य स्वार्थी स्वभिक स्वराट तेने ब्रह्म निधा जो आदि कवये मोहिहंति जल सूरयो तेजो बारी मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा ध्यामना स्वीन सदा निरस्त कुवकम सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर कहते वो परम सत्य को मैं ध्यान करता हूँ, कहते वो परम सत्य कौन है, कहते इसको इसी श्लोक को बल्लभाचार्य जो व्याख्या करते हैं वो कृष्ण में लगाते हैं, इस पर सत्य पर कौन है श्री कृष्ण चंद्र। लेकिन जब हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको व्याख्या करते हैं उन्होंने ये श्लोक को श्री राधा रानी में उन्होंने लगाए हैं, राधा रानी, बोले आपने राधा रानी में कैसे लगा दिया, बोले ये भागवत कौन कह रहे हैं, बोले सुखदेव गोस्वामी, बोले सुखदेव गोस्वामी का गुरु कौन है, बोले राधा रानी। शास्त्र का क्या नियम है, प्रथम तो गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम कुर्बन सिद्धि माप्नोति जनता निष्फलो भवत, सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करनी चाहिए। बोले सुखदेव गोस्वामी का गुरु क्या कौन है, बोले प्रिया सुख श्री विश्वानुजाय, इसलिए इनका गुरु श्रीमती किशोर जी है, इसलिए सबसे पहले श्री राधा जी के चरण में प्रणाम करते। वो कौन है, बोले सत्यम परम धीमहि, तो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। यहाँ जो परम शब्द है
जब हम इसको कृष्ण पर व्याख्या करते हैं, इसलिए कृष्ण कहते धनंजय, कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे को छोड़ कर के जगत में कोई पर तत्व नहीं, इसलिए गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। ये जो परम शब्द है बहुत सारी जगह पर आया है, ईश्वर परम कृष्ण, ये पर शब्द कृष्ण के लिए बताया। लेकिन यहाँ जो पर शब्द विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं पराम च परम च इति परम, वो लगाते हैं कि जो पर शब्द है ये पराशक्ति श्रीमती राधा रानी के लिए, बोले कैसे, बोले देवी कृष्ण मई प्रभुता राधिका परा देवता, इसलिए जो परा शब्द है राधा रानी के लिए उनको पराशक्ति बताई गई। इसलिए ये परम सत्य किसको, हम श्री किशोर जी को राधा जी को प्रणाम कर, वो कौन है, बोले जन्मा दस्य जता, बोले जिनसे आदि रस की प्रकट हुई, जन्मा दस्य जता, जिससे जन्म हुआ आदि रस कौन सा रस, श्रृंगार रस, आद्य एवं पर रस है, जो मूल रस है जिससे सारे रस प्रकट हुए हैं, किससे प्रकट हुए हैं, आदि रस कद भगवान की जो पराशक्ति श्रीमती राधा रानी से ही है, श्रृंगार की जो प्रतिमूर्ति स्वरूपिणी अनेक हाव हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, इसलिए श्रीमती राधा रानी कृष्ण की पराशक्ति, इसलिए सारे रस का मूल उत्स कहाँ, बोले राधा रानी, इनसे ही सारे रस प्रकट हुए हैं। इसलिए कहते हैं जन्मादस्य जतो अन्वयादितरदस्य, इसको लगाते हैं अन्वयाद, ये जो रस का प्रकट होता है, हैं कहते कृष्ण यद्यपि सुंदर दिखने में है लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर कृष्ण कब लगते हैं, बोले तभी लगते हैं कहते जब श्री कृष्ण चंद्र अनुकूल नायक और राधा रानी स्वाधीनी पत्रिका है, ये चीज को तो जानते होगी नहीं, अनुकूल नायक स्वाधीनी पत्रिका, स्वाधीनी पत्रिका मतलब होता है जहाँ पर श्याम सुंदर संपूर्ण राधा जी के अधीन है, स्वाधीनी पत्रिका। अनुकूल नायक मतलब क्या है, जब कृष्ण राधा रानी को संपूर्ण रूप में अनुगत्य को स्वीकार करते हैं, राधा रानी की संपूर्ण उनकी अधीन बन जाते हैं, कृष्ण जितने भी सुंदर है उसी समय में ही कृष्ण सबसे सुंदर, उसी समय रस प्रकट होता है जब राधा रानी मान कर लेती हैं और कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए बारंबार उनको प्रार्थना करती है, राधे स्मर गरल खंडनम मम शीर से मंडनम देहि पद वल्लव उदारम, हे राधे क्यों इतने मान किए हो, तुम्हारे चरण को मेरे सर्व, जब कृष्ण ये अवस्था धारण करते हैं कृष्ण बड़े सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं कृष्ण, क्योंकि कृष्ण कहते हैं राधे मेरे को गिरिराज गोवर्धन धारण करने में इतना शक्ति नहीं लगा, मेरे को अगासुर बकासुर मारने में इतनी शक्ति नहीं लगता है, जब तू मान करती हो तुम्हारी मान मनाने में मेरे को जितना कष्ट लगता है, इसलिए इसलिए ये पूरा जो श्लोक तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवे मुह्यंत जत सुर, पूरा ये श्लोक विश्वनाथ चक्र ठाकुर पूरा राधा रानी को है, पूरा भागवत में देख कर लेना, पूरा थोड़ी संस्कृत ज्ञान होगा तो और शास्त्र ज्ञान होगा तो कैसे एक एक शब्द कैसे उन्होंने राधा रानी में कैसे उन्होंने सारे शब्द लगाया, पूरा राधा रानी अद्भुत रूप में राधा रानी पर विश्वनाथ गुणगुरु व्याख्या करते हैं। इसलिए प्रथम श्लोक क्या है जन्मादस्य जतम, सर्वप्रथम किसकी प्रणाम करते हुए भागवत शुरुआत करते हैं, श्री राधा रानी को चरण वंदन करते हुए, और कहाँ कहाँ पर भागवत है, कहते भागवत में राधा जी का नाम है, कि जिस समय कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, जन्मोत्सव में सुखदेव गोस्वामी जब उन्होंने कृष्ण का जन्म उत्सव को वर्णना कर रहे हैं, वर्णना करते हुए कहते हैं बोले श्री आकृत्यानुभावेन, वहां पर एक श्लोक श्री आकृत्यानु, श्री शब्द श्रीया मतलब कृष्ण जब आते हैं थोड़ी अकेले आते हैं, वो अकेले नहीं आते हैं, हर समय अपना श्री, हर समय अपना शक्ति को साथ में कृष्ण इस जगत में आते हैं, इसलिए जो श्री या शब्द है वो श्रीमती राधा रानी कहते हे परीक्षित महाराज, जब कृष्ण जगत में आए ये जो वृंदावन धाम है, कहते रमा क्रीडन, वहां पर और एक श्लोक है रमा क्रीडन अभूत नृप, बोले हे परीक्षित महाराज ये जो वृंदावन धाम रमा, रमा मतलब लक्ष्मी है, कहते यहाँ पर मूल लक्ष्मी कौन, राधा रानी, मूल लक्ष्मी श्री राधा रानी,
इसलिए हमारे गोस्वामी लोगों ने उदाहरण दिया, जो संधव संधव होता है ना, नमक का नाम है, लेकिन संधव घोड़े को बोलते हैं। अगर खाने के लिए बैठे हो, अगर जिसे संधव बोला उस समय उनको नमक देनी चाहिए। अगर कहीं युद्ध करने के लिए जा रहे हो उस समय अगर संधव शब्द प्रयोग किया किसके लिए, वो घोड़े को उपलक्ष्य करता है। अगर तुम खाने के लिए संधव बोले कुछ घोड़ा लेकर आया घोड़ा लेकर आ गया है, कहते उसी तरह अगर भागवत में कृष्ण लीला में कहीं अगर श्री शब्द लक्ष्मी शब्द प्रिया शब्द बधु शब्द अगर आता है किसको लक्ष्य करती है, ये श्रीमती राधा रानी को, जैसे रामलीला है। अब रामलीला में अगर कहीं श्री शब्द रमा शब्द है, अगर ये सब शब्द आता है किसको समझनी चाहिए, सीता को समझनी चाहिए, क्योंकि लीला किसकी है, रामलीला, लीला रामलीला। कहते उसी तरह यहाँ पर कहते रमा क्रीड़ा अभूत नृप, ये एकदम राधा रानी की क्रीड़ा भूमि बन गई। यहाँ पर भी उन्होंने श्री किशोरी जी की, उन्होंने कृष्ण के जन्म उत्सव में किशोरी जी को उन्होंने याद किया, जिस समय कृष्ण रासलीला किया है, हैं? जब रासलीला का जो पहला जो श्लोक कौन सा है, बोले भगवान अपि तारात्रि सरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्री जोग मायांगमुपाश्रिता। यहाँ पर उन्होंने राधा जी का नाम नहीं लिया, जोग माया शब्द लिया, क्यों, सुखदेव गोस्वामी को राधा रानी स्वयं आदेश दी थी, सुखदेव मेरे राम को कभी डायरेक्ट तो उच्चारणा नहीं करना, करना तो छुपा करके मेरे नाम को लिया करो। इसलिए यहाँ पर उन्होंने जोग माया शब्द राधा रानी ने लिया है, हैं? इसलिए श्री राधा रानी का जोग माया रूप में उन्होंने प्रणाम किया है। क्यों राधा रानी ने मना की, क्यों जब रासलीला होती है वृंदावन में, तुम लोग कभी देखे नहीं, रासलीला होती है वहां पर राधा रानी सिंहासन में बैठी रहती है, और इतने में श्याम सुंदर रास में आए ब्रज गोपियां आए, राधा रानी अभी सिंहासन में बैठी हुई, कृष्ण स्वयं जाकर के राधा रानी को प्रार्थना करते, हे किशोरी जी, हे श्रीमती राधिके, अभी रास प्रारंभ का समय हो चुका है, आप कृपा करके, हे रासेश्वरी, आप कृपा करके रास में पधारो, क्योंकि आप ही तो रासेश्वरी हो, हैं? अगर आप नहीं हो तो रस असंभव, रास असंभव है। तो जब राधा रानी कृष्ण स्वयं जाकर के राधा रानी को स्वागत करके बुला करके आती है, जब राधा रानी आती है फिर रासलीला फिर प्रारंभ होती है। इसलिए रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी, इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी रासलीला को प्रारंभ करते हैं, सर्वप्रथम रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी को स्मरण करते हैं, उन्होंने राधा रानी को आश्रय करते हुए इन्होंने ये रास को उन्होंने प्रारंभ किया। यहाँ पर जब कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो जाने पर जब ब्रज गोपियों ने श्याम सुंदर को ढूंढे मिले ही नहीं, है जब मिले ही नहीं, बोले देखो उनको उनका भजन बहुत प्यारा है, चलो हम सब के सब जमुना उपकुल में बैठी करके उनके भजन को गाएंगे, क्योंकि जब तक ये यमुना दत्त की कृपा नहीं हो ना तब तक कृष्णा नहीं मिलेंगे, हैं? इसलिए चलो जमुना को आश्रय करते हुए हम सबके सब गोपी गीत गाएंगे। जब गोपी गीत गाए, गोपी गीत का जो प्रथम श्लोक है कौन सा श्लोक है, बोले जयती तिथिकम जन्मना ब्रज श्रयत तेरा यहाँ पर उन्होंने जय तिथि गम जन्म ना ब्रज श्रयत इंदिरा, इसलिए यहाँ पर जो इंदिरा शब्द आती है, इंदिरा मतलब था लक्ष्मी, हैं? भगवान कृष्ण जब ब्रज में आए, गोपियां कहती है श्याम सुंदर ये जो ब्रज भूमि है ये राधा रानी की, ये क्रीड़ा भूमि ये राधा रानी की बन गई, हैं? क्रीड़ा भूमि बन गई राधा रानी की। इसलिए यहाँ पर जो रमा इंदिरा शब्द लक्ष्मी शब्द प्रयोग करते, इंदिरा मतलब श्री राधा रानी की के लिए उन्होंने बताया गया है। जिस समय फिर ब्रज गोपियों ने
बैठ कर गोपी गीत गाए, जो गोपी गीत गाने पर फिर कृष्ण रह नहीं पाए। फिर मन्मथ का मन्मथ रूप लेकर कृष्ण गोपियों के बीच में जब कृष्ण प्रकट हुए हैं, जब कृष्ण प्रकट होते हैं कहते वहां पर प्रकट होते ही कुछ गोपियां थी, सबके सब आकर किसने उनके चरणों को पकड़ लिए, किसी ने उनको बाहु पकड़ लिए, किसी ने उनको दोपटा पकड़ लिए, कोई उनको गलबहन आ दिए, कोई उनको तांबुल मांग रहे कुछ गोपी, लेकिन और कुछ गोपी दूर में खड़ी हुई, दूर में खड़ी होकर पास में भटक नहीं रही हैं। लेकिन एक जो गोपी वद एका प्रकुटि मा बाध्या प्रेम समृता पी, और इसको लिख लो ये जो एका प्रकुटि मा बाध्या, एका प्रकुटि मा बाध्या प्रेम समृता पी होला है, ये जो यहाँ पर कह रहे हैं, एक गोपी दूर में खड़ी होकर के बड़ी भ्रुकुटी को अपना टेढ़ी नजर को तिरछ चितवन से श्याम सुंदर को ऐसे टेढ़ी चितवन से तिरछ नजर से देख रही है, ऐसे लग रहा था जैसे कृष्ण को जला करके राग बना दे। लेकिन कृष्ण का नजर कहाँ पर था, कृष्ण का नजर केवल श्री जो वो जो अकेली खड़ी हुई थी केवल कृष्ण उधर देख रहे थे। वहां पर भागवत स्पष्ट रूप में नाम नहीं दिया गया, लेकिन सनातन गोस्वामी इस बात को बताते हैं। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, कहते जो उनका चरण पकड़ लिए, उनको तांबुल मांग रही है, कौन है, बोले इनके ये सबके सब चंद्रावली की पक्ष है, चंद्रावली पक्ष है, सभ्या चंद्रावली ये सबके सब उनका पक्ष है। कहते जो दूर में खड़ी हो कोई नहीं आ रही थी, बोलो राधा रानी की पक्ष है, ललिता भी सगा दी है। लेकिन जो दूर में अकेली खड़ी हुई थी कृष्ण जिसके तरफ में देख रहे थे वो कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी, इसलिए ललिता विशाखा सोच देख रही है, बोले देखो देखो तो सही चंद्रावली पक्षवा उनको चरण किसने पकड़ लिया, उनको गलबहनिया दे रहे तांबुल मांग रहे, लेकिन कृष्ण का नजर वहां नहीं, कृष्ण का नजर किधर है, कृष्ण का नजर केवल श्री राधा रानी के ऊपर, केवल राधा जी के ऊपर में। ये सौभाग्य को क्योंकि सखियों गोपी मंजरिया का इनकी उपासना किया है, जय जय राधा कृष्ण रिजुगल मिलन आरती करे लली दादी सखी गण, इनका जो भावना है कैसे राधा कृष्ण को हम प्रसन्न करेंगे, इनकी भावना यही भावना केवल, इसलिए ओ राधा रानी के सौभाग्य को देख रहे, बोले देखो भले हाथ प्यार पकड़ लो लेकिन हमारे ईश्वरी जी को तरफ में कृष्ण देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्र ठाकुर और हमारे अन्य अन्य जो गोस्वामी लोग है भागवत में कहाँ है, इसलिए जिस समय उनको ये कर रहे थे ढूंढ रहे थे हैं, ढूंढ रहे थे श्याम सुंदर कहाँ, जब दोनों को बीच में हैं, जब ढूंढते ढूंढते उन्होंने क्या देखा, कृष्ण का चरण को दो चरणों को देखा, बोले तो कृष्ण का चरण चिन्ह है श्याम सुंदर का, क्यों वहां पर तटस्थ सो पकड़ भी पकड़े, और जो पहचान गए तो कृष्ण का चरण चिन्ह है, लेकिन जो थोड़ी दूर गए उनको बीच में जो छोटे से चरण चिन्ह देखा, जिसको देख कर सुखदेव गोस्वामी बड़े खुश हो गए, बोले क्यों, बोले जो कृष्ण राधा पक्ष जो गोपियां वो राधा रानी के चरण की सेवा करती है, और राधा रानी के चरण में क्या क्या चिन्ह होता है उनको पता है, इसलिए वो जो छोटे से चरण था उसको देख कर गई श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर, बोले अनयाराधित अनुनम भगवान हरीश्वर है। इसलिए जितने सेविकाओं में सर्वश्रेष्ठ रूप में अगर किसी ने सेवा की तो इसी सखी ने की, क्यों कृष्ण सबको छोड़कर केवल इसको अकेले लेकर गए। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, जैसे दो दल में अगर लड़ाई हो ना, जिस दल जीत जाता है वो क्या करता है, शंख बजा करके कहता है हमारी जयकार हमारी हुई है। इसलिए जो श्लोक है कहते राधा रानी की ही जयकार श्लोक है, हैं? इसलिए सब लोग सब गोपियां रहते हुए श्याम सुंदर के बोले श्री राधा रानी को ही लेकर के जाते हैं, बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल मच्छा गुरु दुर्वेश्वर गिरी भाव सिंधु।